हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रीड एंड ग्रो। तो आज हम जो मेडिसिन पढ़ेंगे उसका नाम है हिपार सल्फर। इसे हिपार सल्फ भी बोल सकते हैं और इसका जो कॉमन नेम है वो है सल्फरेट ऑफ लाइम, और प्रूवर है डॉक्टर हैनीमैन। और ये कैल्शियम और सल्फर से मिलकर बनती है ये मेडिसिन। इसके गाइडिंग सिम्टम है, सबसे पहले द चिली पेशेंट हाईली सेंसिटिव टू कोल्ड इमेजिन्स ही कैन फील द एयर If a door is opened in the next room, must be wrapped up to the face even in hot weather, cannot bear to be uncovered. तो ये जो पेशेंट होगा बहुत ज़्यादा चिली होता है, हिपारसल्फ का पेशेंट इतना ज़्यादा चिली कि हल्की सी हवा भी चलती है तो उसे लगता है बहुत ज़्यादा ऐसे उसको फील हो जाती है। मतलब दूसरे कमरे में दरवाज़ा खोलोगे तो भी उसको पता लग जाएगा कि हाँ दरवाज़ा खोला है, उसको बहुत ठंडी लगती है। तो वो अपने आप को कवर अप करके रहता है, इवन गर्मी भी हो, बहुत हॉट समर वेदर भी हो, तब भी वो अपने आप को रैप अप करके रखता है, एकदम कवर करके रखता है। नेक्स्ट है द पेशेंट इज़ वेरी मच ओवर सेंसिटिव बोथ फिजिकली एंड मेंटली, वेरी सेंसिटिव टू टच अकॉर्डिंग टू नाश। इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्टरिस्टिक इज हाइपर सेंसिटिवनेस टू टच, पेन एंड कोल्ड एयर। पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मेंटली भी फिजिकली भी, टच को लेके तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। जैसे कि टच पे ही हमें पता लगेगा कि कोल्ड एयर है, उसे हवा फील हो जाती है कि भाई ठंडी हवा आ रही है, तो बहुत ज़्यादा कवर अप करके तभी रहता है। तो हाइपर सेंसिटिवनेस इसमें प्रेजेंट है। स्वेट्स प्रोफ्यूसली डे एंड नाइट विदाउट एनी रिलीफ विच इज़ सोर एंड ऑफेंसिव, ईजिली स्वेट्स ऑन एवरी मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन। थोड़ा सा काम कर लिया, थोड़ी सी टेंशन होगी, पसीना ही पसीना आ जाता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है पेशेंट में। एक तरीके से ये भी लॉजिक है कि पेशेंट में पसीना बहुत आ रहा है तो क्या है, बॉडी उसकी बहुत कूल रहती है, इस वजह से उसको ठंड भी ज़्यादा लगती है। और हम कह सकते हैं इसी तरीके से हम उसको सेंसिटिव भी बोल रहे हैं, थोड़ा सा फिजिकल मेंटल एक्सर्शन करने पर उसको पसीना आ जाता है, चाहे दिन हो रात हो। और पसीना कैसा होगा उसका, सोर और ऑफेंसिव होता है, मतलब काफी स्मेली होता है वो। सेंसेशन ऑफ अ स्प्लिंटर फिश बोन और प्लग इन द थ्रोट, ऐसा जेंटम नाइट्रिकम में भी होता है कि स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन होती है थ्रोट के अंदर, ऐसे लगता है गले में फिश का कांटा फंस गया हो। डिजीजेस वेयर द सिस्टम हैज़ बिन इंजर्ड बाई अब्यूज ऑफ मर्कुरी, मर्कुरी के ओवर यूज़ जहाँ हुआ हो तो उसके अंदर हम दे सकते हैं। ऑल द डिस्चार्जेस आर वेरी मच सोर, वही जहाँ पे स्वेट सोर है वहीं पे बाकी डिस्चार्जेस जैसे वॉमिटिंग स्टूल ये सब भी ऑफेंसिव होता है। द स्लाइट इंजरी कॉजेज सुपरेशन, यहाँ पे क्या है जैसे सेलिशिया के साथ इसका मेडिसिन का कंपेरिजन आता है। जो स्किन सिम्टम होते हैं इस मेडिसिन के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्किन सिम्टम जो होंगे वो सल्फर के साथ कंपेरिजन में आ सकते हैं, वो सेलिशिया के साथ कंपेरिजन में आ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन स्किन क्या है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टच पे, कैन नॉट बियर इवन क्लोज टू टच द अफेक्टेड पार्ट्स। जैसे लकेसिस में एक तरीके से सेंसिटिवनेस होती है नेक रीजन पे, इसमें भी सेंसिटिवनेस है स्किन पे कि इवन क्लोथ्स भी उसको बियरेबल नहीं होते। और स्किन में कोई भी इंजरी हो जाए वहाँ पे पस बनने लग जाती है, सुपरेशन होता है। डिस्चार्जेस कैसे हैं, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है, सोर है। देन डिजीज वे सुपरेशन सीम्स इनएविटेबल, हिपार में ओपन द एब्सेस एंड हैज डन द क्योर इफ अप्लाइड इन लो पोटेंसिस। तो कहीं पर भी अगर पस है, एब्सेस है, जहाँ पे लगता है एब्सेस फॉर्मेशन है, नहीं निकल रही, तो हम हिपार सल्फ मेडिसिन दे सकते हैं। एग्रावेशन कोल्ड इन जनरल, कोल्ड एयर कोल्ड फूड अनकवरिंग द पार्ट, ये हमें आइडिया हो ही चुका है उसको कोल्ड बहुत ज़्यादा है तो सेंसिटिव है उसको लेके, क्लोथ्स को लेके भी। देन एम्ब्लेशन वार्म्थ इन जनरल, कवरिंग द फ्रॉम हेड टू फुट एंड फ्रॉम वार्म फूड एंड ड्रिंक इन डैम्फेट वेदर। पेशेंट हैज़ ग्रेट क्रेविंग फॉर सोर थिंग्स, विनेगर वाइन एसिड एंड स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग फूड, एवर्जन टू फैटी फूड, डिसलाइक फॉर ऑल काइंड ऑफ नरिशमेंट। तो उसको खट्टी चीज़ों का डिज़ायर है, जैसे कि विनेगर वाइन एसिड्स या ऐसे स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग फूड्स जो होते हैं जिनमें ज़्यादा खटास होती है, वो चीज़ें उसको ज़्यादा पसंद है, अचार वगैरह, लेकिन फैटी फूड नहीं खाता वो, ठीक है। माइंड कैसा है, बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है मेंटली भी, इसलिए वो इरिटेट जल्दी होता है। द स्लाइटेस्ट थिंग इरिटेट्स हिम, वेरी मच इम्पल्सिव, मदर मे हैव इम्पल्स टू थ्रो द चाइल्ड इनटू फायर, इम्पल्स टू डू वॉयलेंस एंड टू डिस्ट्रॉय। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम में ऐसे लाइन पूछते हैं वो, एकदम से कोई ना कोई लाइन पूछ देंगे, डाल देंगे क्वेश्चन में और कहेंगे कि इसको आंसर करो, आइडेंटिफाई करो कौन सी मेडिसिन से है। द पेशेंट इज क्वालसम, लड़ाई करता है, झगड़ालू है, एंड हार्ड टू गेट अलॉन्ग विद, नथिंग प्लीजेस हिम, एवरीबडी इज डिस्टर्ब, पिविश, ईजिली बिकम्स एंग्री, इवन एटलीस्ट ट्रिफल्स, एंग्विश इन द इवनिंग एंड नाइट विद थॉट्स ऑफ सुसाइड, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, एंग्री है, लड़ाकू है, चिड़चिड़ा है, वेरी मच एंशियस विदाउट एनी रीजन। द पेशेंट इज वेरी क्विक इन एक्शन, हर चीज़ में फटाफट एक्शन लेता है, हाइपोकॉन्ड्रियाकल है, सैड है, डिप्रेस्ड है, चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलेगा। सो ये थी हिपार सल्फ, इसकी स्किन सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।